दुर्ग में सिंधी समाज द्वारा चेट्रीचंड महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुवार को भव्य रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सिख समाज एवं चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से रैली का भव्य स्वागत भी किया गया। इसके अलावा रात को शिवनाथ नदी तट पर 11,000 दीपक का प्रज्वलन किया गया, जिससे नदी का तट जगमगा उठा। इस भव्य आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए सिंधी समाज के वरिष्ठ नागरिकों ने मीडिया से कुछ इस तरीके से बातें की। आज संपूर्ण सिंधी समाज और दुर्ग शहर आज हमारे इष्ट देव श्री झूलेलाल भगवान जी का जन्म उत्सव है। हिंदू नव वर्ष है और संपूर्ण सिंधी समाज के युवा साथी सब इस कार्यक्रम में युवा संगठन सब मिलकर आज इस कार्यक्रम को अच्छे रूप से व्यवस्थित रूप से व्यवस्था कर एक साथ एकजुटता का संदेश दिए हैं। उत्साह सबके अंदर उत्साह है, पिछले वर्ष से और इस वर्ष से उत्साह बहुत ज्यादा है। जितने युवा संगठन है समाज के, सब युवा संगठन मिलके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होके और सेवा देते हैं अपनी अपनी। हमारा परिचय है SHD युवा मंडल, हमारा ये युवा मंडल संगठन है युवा साथियों का, और समाज में और भी युवा संगठन है, सदानी युवा मंडल है, सखी बाबा युवा मंडल है, बाबा गुरुमुखदास युवा मंडल है, और सिंदूरी युवा सेवा समिति है, और इस कार्यक्रम के मेन जो आयोजक हैं वो सिंदूरी सेवा समिति और पूज्य सिंधु जनरल पंचायत आयोजक हैं इस कार्यक्रम में। ये समाज का कार्यक्रम है, इसमें जितने भी युवा संगठन हैं और जितनी भी समितियां हैं सब मिलके भाग लेती हैं और एक साथ होके सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित होके अच्छे रूप से व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम करते हैं।
और आज ये पहला आज वर्ष है कि आज जो हमारा झूलेलाल इष्ट भगवान का जो ज्योत तालाब में जो विसर्जन होता था वो मान मंदिर के पास जो लुचकी तालाब है वहाँ होता था, और ये आज पहला वर्ष है। इस बार शिवनाथ नदी में जो जुलूस निकलता है सिंधी समाज का झूलेलाल जयंती का, वो आज इस पहला वर्ष है। ये सिंधी समाज का जुलूस आज शिवनाथ नदी पे दीप प्रज्वलित का भी कार्यक्रम है, 11,000 दीपों का दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम है, और इष्ट भगवान हमारे झूलेलाल भगवान की जो ज्योत है जो जुलूस के साथ वहां से मंदिर से लेके आते हैं और नदी में विसर्जन करते हैं, उसका यह पहला कार्यक्रम है। शिवनाथ नदी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस सब युवा साथियों का मिलके और एक अच्छी सोच और अच्छी शुरुआत है। आज सिंधी समाज का एक बहुत बड़ा त्योहार चेटीचंड का त्योहार है, जिसकी शोभा यात्रा यहाँ निकल रही है। उस अवसर पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग एवं पूरा सिख समाज यहाँ पे आज खड़ा होके उनकी शोभा यात्रा का स्वागत करने के लिए खड़ा है, और उनको ये शुभकामनाएं देने के लिए खड़ा है कि ईश्वर उनके ऊपर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे सिख समाज हमेशा सबके लिए तत्पर खड़ा रहता है, वैसे ही सभी समाज इकट्ठे हैं और सब अपने साथ खुशी में दुख में सब इकट्ठे रहे, यही हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं।